दोस्तों टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा अपडेट है। व्हाट्सएप एक न्यू फीचर पर काम कर रहा है। बहुत जल्द आपको चैट लिस्ट में ही स्टेटस का अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब इंस्टाग्राम की तरह डीपी के जरिए आप डायरेक्टली स्टेटस देख पाएंगे। पहला फीचर तो ये, ठीक है ना। और सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 ही नहीं बल्कि दोस्तों व्हाट्सएप टोटल ऐसे 13 नए फीचर लॉन्च करने जा रहा है। जी हाँ, व्हाट्सएप चलाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल सीमलेस हो जाएगा। आपका बहुत ही गजब अनुभव आपको मिलेगा अब अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करोगे तो। भविष्य में व्हाट्सएप में 13 नए फीचर आने वाले हैं। कौन कौन से, मैं आपको 2 मिनट में सभी फीचर्स के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। पहला फीचर तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेटस जो है वो अब आप डायरेक्टली जो हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, हम मैसेज चैट की जो लिस्ट देखते हैं ना, उनमें लेफ्ट साइड में जो आइकन होता है यानी कि जो प्रोफाइल पिक्चर होती है ना हमारे कॉन्टेक्ट की, उस प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली वहां से स्टेटस देख पाओगे। इससे आपका व्हाट्सएप से स्टेटस देखना और भी आसान होगा और भी मजेदार होगा, राइट। अगले अपडेट, अगले फीचर की अगर बात करें दोस्तों, तो व्हाट्सएप में 2 GB तक की फाइल भेज पाएंगे आप। अभी व्हाट्सएप में केवल 100 MB तक की मैक्सिमम फाइल शेयर करने की लिमिट है, लेकिन बहुत जल्द आप 2 GB यानी कि 2000 MB से भी ज्यादा की फाइल ट्रांसफर कर पाएंगे। अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, 32 लोगों को एक टच में वॉइस कॉल कर पाएंगे, यानी कि वॉइस कॉल में ग्रुप कॉल फीचर मिलेगा आपको। 32 मेंबर के लिए एक साथ आप ऑडियो कॉल कर पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप यूजर्स अब वॉइस मैसेज में पॉज और प्ले भी कर पाएंगे। पहले कोई बाधा या अलग से आवाज आने पर रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती थी और फिर से शुरू करनी पड़ती थी। यानी कि व्हाट्सएप पर जो हम ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं ना, उस ऑडियो मैसेज भेजने के अंदर आपको 2-3 नए फीचर मिलेंगे। एक तो आप मैसेज भेजते समय बीच में ही पॉज कर पाएंगे उसको और वापस रिकॉर्डिंग चालू कर पाएंगे। वॉइस मैसेज जहां पॉज किया वहीं रुका रहेगा। वॉइस मैसेज सुनने को लेकर भी एक नया फीचर आ रहा। अब आप चैट से बाहर निकल जाओगे ना तो भी आपका वॉइस मैसेज बैकग्राउंड में चलता रहेगा। बैकग्राउंड में आप वॉइस मैसेज को सुन पाओगे और दूसरे कॉन्टेक्ट के टेक्स्ट मैसेज देख रहे हो तब भी आप किसी और कॉन्टेक्ट का वॉइस मैसेज सुनते रहोगे। व्हाट्सएप चैट से बाहर आकर के भी वॉइस मैसेज सुन पाएंगे। बैक एंड प्ले का फीचर भी आपको मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पहले खुद भी सुन पाओगे भेजने से पहले। रिकॉर्डिंग करके अभी डायरेक्टली सेंड करना पड़ता है, लेकिन अब मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद किसी को भेजने से पहले आप सुन करके देख पाओगे कि हाँ ऑडियो क्वालिटी सही है या नहीं। ऑडियो मैसेज से जुड़ा एक और फीचर ये आ रहा दोस्तों कि व्हाट्सएप यूजर्स ऑडियो मैसेज को 1.5x या 2x की स्पीड से तो अभी आप सुन सकते हो। इसमें सुनने की स्पीड में भी आपको कुछ नए ऑप्शंस मिलेंगे। एक कम्युनिटी से जुड़ा नया फीचर आने की भी संभावना व्हाट्सएप में दिख रही है। व्हाट्सएप पर ग्रुप तो होते थे, लेकिन कम्युनिटी फीचर लोगों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ लाने का काम करेगा। यानी मैंने आपको बताया था ना कि ग्रुप्स ऑफ ग्रुप, यानी कि अभी जो व्हाट्सएप का ग्रुप होता है उसमें मेंबर होते हैं, राइट। लेकिन कम्युनिटी फीचर में मेंबर की जगह भी ग्रुप होंगे, यानी कि ग्रुपों का ग्रुप होगा वो। ये नया फीचर भी व्हाट्सएप में जल्द आपको देखने को मिलेगा नवंबर महीने तक। इसके अलावा वेव फॉर्म डिजाइन वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप यूजर्स अब वॉइस मैसेज की आवाज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख पाएंगे। कंपनी का कहना है कि डिजाइन से यूजर्स को रिकॉर्डिंग फॉलो करने में मदद मिलेगी, यानी कि जो ऑडियो वेव फॉर्म होते हैं उनको आप लाइव देख पाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम की तरह पोल ऑप्शन भी आपको व्हाट्सएप में जल्दी देखने को मिलेगा। पोल अभी टेलीग्राम में ऑलरेडी अवेलेबल है जिनसे आप पोल करवा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में भी आपको बहुत जल्द पोल ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहीं व्हाट्सएप में आपको बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह लॉगआउट का फीचर भी मिलेगा, यानी कि एक ही मोबाइल फोन पर आप चाहे तो अलग अलग जनों के व्हाट्सएप खोल पाएंगे, अलग अलग अकाउंट्स को लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पर लास्ट सीन से जुड़ा एक नया फीचर भी आ रहा है। आप अपने चुनिंदा कॉन्टेक्ट से लास्ट सीन हाइड कर पाएंगे। अभी अगर आप व्हाट्सएप से लास्ट सीन हाइड करते हैं तो सारे कॉन्टेक्ट का एक साथ होता है, राइट। लेकिन अब आप ये तय कर पाएंगे कि कौन कौन से कॉन्टेक्ट को, कौन कौन से नंबर वाले आपके जो फ्रेंड्स हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में, उनको आप लास्ट सीन अपना नहीं दिखाना चाहते हैं, उनको सेलेक्ट करके उनके लिए पर्टिकुलर लास्ट सीन हाइड कर पाएंगे। ये फीचर मिलेगा, है ना। इसके अलावा मैसेज नोटिफिकेशन में अब आपको फोटो भी दिखेगी। जब कोई मैसेज आता है तो आप खोलना नहीं चाहते हैं, बिना व्हाट्सएप ओपन किए उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब बिना व्हाट्सएप ओपन किए आप मैसेज भेजने वाले की प्रोफाइल फोटो भी देख सकते हैं कि किसने ये मैसेज किया। इसके अलावा व्हाट्सएप आर्काइव का नाम भी बदलने जा रहा है। जो आर्काइव या आर्काइव जो भी कहते हैं उसका नाम बदल देगा व्हाट्सएप, इसकी जगह पर रीड लेटर नाम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैसेज फॉरवर्ड करने की लिमिट में भी व्हाट्सएप बदलाव करने जा रहा है। हाल ही में आपको बताऊंगा स्पैम मैसेज फॉरवर्ड करने के चलते व्हाट्सएप ने 5 लोगों की लिमिट लगा रखी थी, लेकिन अब ये लिमिट कम करके 1 की जा रही, यानी कि आप एक ही व्यक्ति को एक बार मैसेज फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ न्यू फीचर फ्यूचर में यानी कि भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे व्हाट्सएप में, और बहुत जल्द इसी साल 2022 में ये सभी फीचर व्हाट्सएप रोल आउट कर देगा। और इतने फीचर एक साथ व्हाट्सएप में आने के बाद तो व्हाट्सएप चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार हो जाएगा, राइट। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सबसे फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है जिस पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।